अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, देयर एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज आप कह लें कि रमज़ान की स्पेशल वीडियो है, क्योंकि चार दिन बाद कोई प्लान बना है। रमज़ान का फोर्थ डे स्टार्ट हो चुका हुआ है, सहरी मैंने अभी कर ली है और टाइम बस ख़त्म होने वाला है। तो रात को ग्रुप में कन्वर्सेशन चल रही थी लड़कों की, यार कि राइड पे जाना है, काफ़ी दिन हो गए कहीं गए नहीं है, बिकॉज कल फ्राइडे की है, मतलब ना आज थर्सडे नाइट थी, कल मतलब फ्राइडे होगा, मतलब आज फ्राइडे स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो रात को तो लड़कों ने कहा रात को नहीं, इंशाल्लाह ताला आफ्टर सहरी हम लोग जाएंगे राइड पे। तो कहाँ पे जाएंगे इसका अभी कुछ पता नहीं है, नियर बाय का कोई प्लान है, मतलब कोई राइड का इस्लामाबाद का, तो देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। तो साथ में इंशाल्लाह ताला आगे जाके आपको सीन चेक कराते हैं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। बाबा जी लड़के ने मेहनत की, फिर रात को जो पता चला इस तरह का सीन है, कपड़ा वगैरह मारा, बाइक को पॉलिश तो पहले की थी, अल्हम्दुलिल्लाह चेक करो कैसे शाइन कर रहा बाइक का बाइक। तो इंशाल्लाह ताला राइड पे जाएंगे और आपने देखिए घबराना नहीं है, बाइक अंदर खड़ा हुआ, अंदर ला के भाई ने इसको इजीली रिलैक्स होकर बिल्कुल कपड़ा मारा। तो साथ रहेंगे इंशाल्लाह, राइड पे जाके सीन चेक कराते हैं आपको। फजर की नमाज भाई ने अदा कर ली है, अब चलते हैं और जाके लड़कों को इकट्ठा करते हैं। तो बाबा जी भाई पहुँच चुका है सदर इमरान मुगल के घर के बाहर, तो हम इंतज़ार करते हैं, ये आते हैं तो आपका सीन चेक कराते हैं। सबसे पहले भाई पहुँच जाए, लड़के इकट्ठे हो गए हैं जी। असद क्या वेट हो रहा है, मूसा ने तो गोली करा दी है, इमरान का मोटरसाइकिल, भाई का और शाहजी का, आपको चेक कराएंगे माशाल्लाह, उसमें ये आपको नज़र आ रहा होगा फ्रंट, आगे जाके चेक कराएंगे किसी जगह में रुक के। आशिफ इज हियर विद हिज न्यू मोटरसाइकिल, असद रह गया जी, मूसा पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, माशाल्लाह लाइनअप, डिटेल मोटरसाइकिल, ये बहुत बचा के लाया मोटरसाइकिल अपना, फिर भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये ना, और जिस तरफ ही आजकल इसके घर की साइड पे ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये सीन है। ये बॉय का वेट करते करते हम बोर हो रहे हैं, तो मैं आपको चेक कराता हूँ साथ साथ, ठीक हो गया है। हाशिम का मोटरसाइकिल नया वाला, इंशाल्लाह इसका डिटेल व्लॉग भी आएगा। शाहजी का बाइक मैं आपको कहता हूँ फ्रंट चेक कराऊंगा, चेक करो माशाल्लाह, ठीक है। इस बंदे ने ये हैंडमेड वाइज़र है, ठीक हो गया है, और ये SS मटेरियल का बना हुआ है, बहुत कमाल माशाल्लाह। ये इब्रार का मोटरसाइकिल, इब्रार को भी शाहजी ने बना के दिया, ये भी हैंडमेड है, ठीक हो गया जी, इब्रार का बाइक। और ये आ गया आपके भाई का मोटरसाइकिल, ठीक हो गया। इंतज़ार है असद का, मूसा तो शायद ना आए, वो वेट करते हैं, जैसे ही लड़के आते हैं इंशाल्लाह ताला फिर जो है ना आगे मूव करते हैं। टाइम इस वक्त 6:30 हो चुके हैं गालमन। स्पीड के लिए बनाया है सर, स्पीड के लिए सेट किया है। ना 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 रेस लगा, ना 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 शौकिया स्पीड वाला बाइक भी कौन सा कर रहा है, पीछे रह रहा है वो वीडियो भी, वो पूछ भी उसी बाइक का रहा है जो सबसे पीछे रह गया था। स्पीड वाला एक वीडियो बनाओ, हाँ हाँ बनाओ बनाओ, जबरदस्त हैंडल ध्यान से है उस पे, वो लगा हुआ है। ये चेक करें भाई, म्यूजिक चेक करें भाई, शो किया गलत बात नहीं, रोज में झूठ नहीं निकलता, प्राउड मोमेंट। हाँ जी फाइनली, असल में आपको सीन बताया ही नहीं कि असद का बाइक हो गया था पंचर, एंट्री हो गई है इस बंदे की, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया है असद, आ रहा है, और मूसा भी अब आ रहा है खैर से। ये चेक करो जी, आ गया जी, असद आ चुका है, ठीक है। असद का बाइक जो था ना, ये जरा प्रैंक हो गया था थोड़ा सा, आज ना पिंचर था, तो वो कह रहा था कि जब निकाला पिंचर भी ठीक नहीं था प्रॉपरली, वो ये वाला हिसाब किताब था कि उसने हवा भरी है पंप से, तो अभी स्टेबल हो गया टायर। खैर जी अब मूसा का इंतजार, मूसा भी अब निकला है, पहले कोई आ नहीं रहा था, हम सारे पहुंच गए, मूसा पहुंच गया बस, आने वाला है। ओके हो गया, मूसा पहुंच गया जी, आने वाला है, ठीक हो गया, पहुंच गया, आने वाला है, पहुंच गया, आने वाला है। वाह भाई भाई भाई, यो फाइनली वेट ओवर हुआ है, ठीक हो गया। विशा जी खैर घर चले गए जैकेट लेने के लिए, तो जिस गंडोई का मैं इंतजार था वो गंडोया पहुंच चुका है। ये रहा गंडोया,
ये रहा गंडोया, ये रहा गंडोया, गंडोया इज हियर। हमारे ग्रुप का नजर बट्टू आ चुका है, मैं आपको चेक कराता हूँ सिचुएशन। ये चेक करें, ये देखें जी, हमारे ग्रुप का बट्टू, ये इस बंदे के लाज चेक करें, ये देखें, ये सब देखें आप, इस बंदे को कदर नहीं है। ये देखें, ये देखें, इसके सिर्फ आप काम चेक करें। ये देखो, ये बाकियों के आपने देख लिए, इस बंदे की ये देखो, ये देखो, गंदी टोपी उठा के ले आया, हमेशा ये काम करता तू। व्लॉगिंग यस, क्यों यार ये धोया नहीं है ना, मैंने धोने का टाइम नहीं मिला मुझे, ये धोने का इसको जी टाइम नहीं मिला। बड़ी बात है जी, बंदा पहुंच गया। खैर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? और वैसे पेट निकाल के खड़ा हुआ है। खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह, मूसा भी आ चुका है। शाह जी अब जैकेट लेने चलेंगे, आज प्लान डिले पर डिले, डिले पर डिले हो जा रहा है। खैर जी बना ले यार, एक तो हेलमेट का देखिएगा, शाहजी आ चुके हैं, अब हम निकलने लगे हैं आगे जाके, इंशाल्लाह ताला आपको मिलते हैं। अभी राइड एंजॉय करेंगे और कहीं मौका और व्यू अच्छा हुआ तो मोबाइल एडजस्ट करके इंशाल्लाह ताला आपको आगे का सीन भी चेक कराएंगे। मेहनत इतनी तू खराब करेगा, दो दिन बाद नजर आ रहा है मुझे, आ जा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग मूव ऑन कर चुके हैं यार। और यार सारे आगे आगे आओ, जरा आगे आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ, वीडियो बना रहे हैं, आगे आओ। तू भी ला अपना गंदा मोटरसाइकिल, वीडियो गंदा किया तूने, ये लाया। असद किधर गया? ये आ गया, ये जी असद भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह स्क्वाड इज कंप्लीट। चस आ गया, चस आ गया। इस बंदे ने हेलमेट नहीं पहना, इसके से जो है ना फाइन रुक गया, ठीक हो गया। उन्होंने कहा ये जाएगा वो है, मैंने तो कहा अपनी विग उतार दे, बाइक कौन चलाएगा, ये विग उतारेगा अपनी, तो ये जो है ना ये दो फसों वाला बंदा है ना, नहीं रोकता भाई, कोई भी नहीं रोकता, इधर दे, बैड मोमेंट। हम लोग इधर ही वेट कर रहे हैं, नहीं नहीं हम निकलते हैं, इसको जितनी गालियां निकाले वो कम है, ठीक हो गया। ये आते हुए जो है ना ये अपनी ऊपर वाली विग पहन के आया, हेलमेट मेरे हिसाब से इसको 1500 का होना चाहिए। तू हेलमेट क्यों नहीं पहनता? बेकारी 1500 में तेरे क्रॉस आ जाएंगे, ये देखिए ये सब बंदे इसके से फंस गए, ठीक हो गए। रमजान में भी जो है ना आओ, सुकून नहीं आ रहा यार, तुझे मैं कह रहा हूँ यार मजा ही आ गया, बाकी में बहुत मजा आ गया, एक्सट्रीम लेवल पे अभी हम लोग बैठे होते सिटी सी, चलो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। जी जी यार पुरानी जीटी रोड पे चल गया, हमने यहाँ पे वेट किया ना 10-15 मिनट और वेट करते, तू हेलमेट लेके निकल, ठीक है ना, तो वो कहेगा आपके हेलमेट कैसे, क्या भाई मेरा कसम देके गया, हमारे घर इधर ही है, यही कट्टे होंगे 4-5 बाइकों वालों में एक बगैर हेलमेट, जारी बात है एक अम्मे से बगैर हेलमेट का तो होगा आगे भी, पुरानी रोड पे चलते हैं यार। जब मैंने फैसला सुना दिया, जब 1500 इसको ठोकरा था ना, इसकी वजह से जो 10-10 किलोमीटर रखते सारा के मोटरसाइकिल में आता है पेट्रोल, इसको ठोक तेरी जिंदगी में फायदा, कोई शॉर्टकट रास्ता है, ये लंबा रास्ता है, ये लंबा नहीं है, ये लंबा है, ये लंबा नहीं, अभी वापस जाना पड़ेगा मैं थ्रू 12 तक जाओ, नहीं नहीं ये साथ है, ये नहीं है ना, वापस जाना पड़ेगा, वो उधर उतरे जिधर से हम चढ़े थे ना अभी, पर वो सारा मत चलो यार। अच्छा जी तो भाई लोगों अभी हम लोग जो है ना आगे मूव कर चुके हैं, आपने लिखा था मूसा का जो है ना वो वाटर में पकड़ी था बिकॉज ही इज़ नॉट वेयरिंग हेलमेट, ठीक हो गया, इसने चपनी मारी आते हुए भूल है, और हमें रूट चेंज करने का, तो काफ़ी देर वेट करने के बाद जो है फिर हम लोग आगे मूव ऑन कर भी लिए, ठीक हो गया। ये भाइयों की लाड़ियाँ, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या चलो जी आगे मूव करने लगे हैं। अरे ब्रार हेलमेट ना भूल जी मेरा भाई, वो पड़ा है, एक मिनट अभी बाइक ना छेड़ना, पता ही नहीं है, लॉरेंस कॉलेज वाली साइड पे निकलेगा, आगे आने दे मेरा भाई,
मुझे पता है, अब मुझे पता है। एडवेंचर यही होता है जी। ज्यादती है यार, यार सारा मजा खराब कर दिया इसने कसम से। खुल गया रोड निकलेगा किधर? हाँ जी वो तो सर जी पानी नहीं खींच सकता साइड पे। सिर्फ कीचड़ की वजह से वल्ला मजा बहुत आ रहा। TDCP चलते उधर नहीं है, उधर ये चीज नहीं है, उधर ही चलते हैं TDCP वाली साइड पे। उधर जो है ना ऑफ रोड ट्रैक है लेकिन गारा नहीं होगा यार, वो गारा बहुत ज्यादा आज। गारे की जैसे बंद करनी पड़ी, बाइक गंदा नहीं देखना चाहते। कीचड़ था, बाइक बाइक गंदा हो जाएगा ना करीब। वार्डन ने उन्होंने रोका, ठीक हो गया और उसके बाद 4,000 रुपए की ठोक दी है। चलो असद को कॉल कर यार, असद वो कह रहे हैं नीचे जाके मिलेंगे आपको। बस जी अभी पे कर दी है, हेलमेट ना पहने जा वो वार्डन हैं। पहले ये वाली बात कह रहे थे कि आप लोगों को जो है ना परमिशन नहीं है जाने की, ठीक हो गया। और अब ये गालबन मुलायजा ये वाली बात कर रहे हैं कि अब आप जो है ना आगे चले जाएं। चले देखें आपने अपना ट्रिप भी ख़राब किया, नीचे 1,000 रुपये की बात थी, नीचे भी 1,000 की बात, नीचे 1,500 की बात, ठीक हो गया। वेल जो भी है बड़ा ही घटिया सा काम किया है अकेला जो है ना बताया कि सबको। मैं मानता हूँ मूसा की गलती है बिल्कुल, लेकिन क्या कह सकते हैं, बहुत ही घटियापन है, काफ़ी खराब कर दिया है जो है ना सारा। तो गाइज नीचे फाइन करने के बाद 4,000 रुपये का मूसा को चलान किया है वार्डन्स ने। हेलमेट वेयर नहीं किया था, उसकी गलती थी, बट 4,000 पीस फाइन बाइक का वो बहुत ज़्यादा था। बट वेल वट एवर, सो उन्होंने कहा कि आप चलान पे भी करोगे फिर भी आप वापस जाओगे। आप चलान लेने के बाद उन्होंने भी कहा कि आप आगे जा सकते हैं। वेल हम लोग ट्रिप तो थोड़ा बहुत बेकार हो चुका था, तो हमने कहा यार फिर भी चलते हैं आगे थोड़ा सा। तो TDCP वाली साइड पर गए हैं, لهجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك
वैसे जालम यार क्या लोकेशन है। चेक किया यार इधर मजाक के अलावा बंदा ऐसे हो ही ना फ्री टाइम में आए चस्ता है बगैर हेलमेट वाला। ओए रॉन्ग भाई इधर से पीछे ले क्या, पीछे ले क्या भाई, पीछे ले क्या। ओए 4000 रुपए का फाइन करा क्या फीलिंग्स है भाई। मैं तो दिल करता है गाड़ी का टायर फाड़ गया पर बाइक के नंबर देख और गाड़ी का टायर चलते यार। अच्छा गरीबो की गरीबो गरीबो ओ का लो मैं तो मैं बोल रहा था वहां से वापस हो देखो यार तेरे गांव उठा के नहीं देंगे। ये रात को भाई ग्रुप पे मैसेज कर रहा था मैं तुम सबकी सुबह फाड़ूंगा गरीबो, गरीबो को चोट सा ना अमीर को देखो 4000 रुपए की चुप्पी से देखो 4000 खुदा की कसम वैसे तो 10 15 20000 भी लग गए कोई टेंशन नहीं होती। ये लगे हैं तो ये गुस्सा आ रहा है ये पीछे से सही है ना ये अंदर तक ना खोल रहे हैं अंदर से भी खोल रहे हैं उनका कोई ऐसी चीज नुकसान कर दी यार ये भी ट्रैक जा रहा है वो आज के बाद ये किसी के साथ ये कांड ना करे वो ये भी ट्रैक जा रहा है नजारा एंजॉय कर देख तू फिल्मों में देखता है ना वो कृष्णा कॉटेज कौन सी मूवी यार बैठे जी इधर बस चिल कर रहे हैं अभी जो है ना सदमा जो है ना उसको उतार रहे हैं थोड़ी देर सारे रिलैक्स होके दिमाग सदमा इस बात का कि नीचे सिर्फ 1500 कह रहे थे और ऊपर आके जो है ना उन्होंने मोटरसाइकिल पे 4000 रुपए ठोकी ये सारी ना इन्होंने मोनोपोली की है पहले से चाल दी और पहले नीचे भी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमजा भाई यार क्योंकि नीचे वाली जो साइड है ना उस... इन्होंने टोटल मैनिपुलेट किया ठीक है और ये सारा ना इनके पास कोई पर्ची थी इसके ऊपर लिखा हो कि आज इतना चलान है इतना चलान है तो बाद में एक ही मतलब पर्चा पकड़ा दिया 4000 रुपए का यही बड़ी बात है और नीचे वो कह रहे थे कि हेलमेट आपने नहीं पहना 1500 फाइन है ठीक हो गया और उसके उसने वो नहीं किया है बस वो मतलब अपनी बात उसने बस सीधा पर्ची काट के हाथ में बड़ाई और निगोशिएट नहीं किया ये कह रहे निगोशिएट नीचे चला जाए मौली सीधे होके बैठ क्या कह रहे हो किसने गोश नहीं दिया अच्छा पैसे लेने के बाद उसने कैसे जज्बात बदले यार एकदम कहते अब वायलेशन नहीं करना है नहीं बड़ा पहले उसने पक्का होके कहता है पैसे भी दोगे और आगे भी नहीं जाओगे जब उसने कहा ठीक है आप जाएं आप आगे नहीं यार मुझे क्या पता उसने कहा आप वापस भी आना है यार जो हुआ वो हुआ बढ़ गया वो बाढ़ में जाए लेकिन वो लोग नीचे वाले जो बात ये कि हेलमेट पहन के नहीं मानते हैं कि मिस्टेक है हंस रहे हो इधर मेरी बात सुनो भाई कहने का मकसद ये हेलमेट हेलमेट नहीं पहना वो ये था भाग गया तू अब जा तो भाई देखो बस यही था आज का सफर अब वापसी करें हम लोग। आफ्टर दैट जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं होता अनफॉर्चुनेट अब वीडियो बंद करने के बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही नॉर्मली जा रहा था
और मेरे आगे एक बाइक था, ठीक हो गया। और टायर जो था, बेसिकली द मेन कॉज वाज द टायर, टायर का प्रॉब्लम हुआ। मैंने टायर चेंज करना था बेसिकली ईद से पहले, लेकिन ये हमने बिफोर टाइम बस ये हल्का फुल्का हमने राइड के लिए जाना था जस्ट, तो टायर ने काम दिखा दिया। वो ये हुआ कि जो मेरा टायर था वो ख़त्म था, तो टायर कर गया, मतलब ना दैट टाइम बाइक हुआ स्लिप हल्का सा और मैं तो साथ ही पीछे गिर गया, लेकिन वो थोड़ी स्लोप थी तो बाइक रोल आउट होना स्टार्ट हो गया, बाइक की कंडीशन तो काफ़ी ख़राब हुई, ठीक हो गया। और बस उसके बाद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्क्वाड के जितने लड़के हैं, थैंक्स टू देम, अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि यार आपके साथ जब कोई हो तो आपको टेंशन नहीं होती, सारे लड़के एक्टिव थे, इन्होंने फटाफट जो है वो मेरा बाइक देखा, बाइक बंद किया, जो मेरे पार्ट्स ब्रोकन थे वो सारे क्लेक्ट किए, इन्होंने मुझे अपना मोबाइल वॉलेट चेक कर, मैंने सब कुछ चेक किया थॉरली, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ओके था। पाँव पर चोट लगी थी, इन्होंने मुझे उधर कपड़ा बांध दिया। और इसके अलावा सुजुकी साथ ही करवाई, सुजुकी में लोड किया बाइक, मैं भी बाइक के साथ पीछे मतलब लेट गया। और ये वहाँ पर मुझे ये क्या कि मैंने कहा यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग मुझे घर लेके चलो, लेकिन इन्होंने जो है वो सुजुकी वाले से पहले बात की हुई थी, ये लोग मुझे लेके गए। उसके बाद हॉस्पिटल पहले एक्सरे वे कराया, थॉरली चेक करवाया, सारा बैंडेज वगैरह हुई, अल्हम्दुलिल्लाह देर वॉज नो फ्रैक्चर, कोई हड्डी वगैरह नहीं टूटी थी अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ माइनर सी चोट थी पाँव में जिसको बैंडेज कर दिया गया। उसके बाद घर की तरफ मूव ऑन कर लिया गया, लड़कों ने खैर मुझे रिलैक्स किया बिकॉज बाइक को लेके मैं थोड़ा सा टची हूँ, हम सारी टची हैं, ख्याल से रखते हैं, तो बाइक की काफ़ी बुरी हालत थी। वेल तो लड़कों ने कहा यार ये बन जाएगा, तू टेंशन ना ले कि यार तू बाउंड अगर है ना, हम चीज़ें ला के बाइक को सेट कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यही वाला हिसाब किताब है। खैर तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, ठीक हो गया। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम ने ब्लॉग अपलोड किया था, सारे भाई पूछ रहे थे और दुआओं में सब ने खुसूसी याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला यार, इट्स मीन अ लॉट, ठीक हो गया। और बस आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर बाइक की कंडीशन भी चेक करवाऊंगा, जो जो हुआ प्रॉब्लम हो रहा है एज़ सून एज़ पॉसिबल बाइक ऑन रोड लेके आएंगे और बाइक को परफेक्ट करेंगे। और तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।